इसलिए आप ना इनकी बात सुनिए ही मत। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। देखिए मैं तो बाहर वाली हूँ ना, घर वाली की नहीं हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने इस प्रतीक्षा के हाथ का बना हुआ खाना खाया और आप मेरी हालत देख ही सकते हैं। मैं खुद भी पेशेंट हूँ, ऐसे मेरी जान ना ऊपर नीचे हो रही है और पेट में इतना दर्द हो रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ कि इसी ने ना खाने में कुछ ना कुछ मिलाया है। आप बोले तो मैं आपके साथ चलती हूँ FIR लिखवाने के लिए, और आप ना इसे सबके खाने में जहर मिलाने के लिए कि सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। काव्या की मां ने लगाया पुलिस के सामने प्रतीक्षा पर इल्जाम, प्रतीक्षा ने की थी सबको मारने की कोशिश। हम आपको बता दें, प्रतीक्षा ने जो खाना बनाया था सबके लिए, जो खीर बनाया था, उसमें काव्या ने कोई ऐसी दवाई मिला दी थी जिससे उसे खाने वाले की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, और ये खा लिया था काव्या की माँ ने। काव्या की माँ ये खाने के बाद पहुँच चुकी थी अस्पताल, और यहाँ पर पहुँच आती है पुलिस। काव्या की माँ यहाँ पुलिस के सामने प्रतीक्षा का नाम लेती है कि उसने ही ये खाने में जहर मिलाया है, और अब पुलिस करेगी प्रतीक्षा को अरेस्ट। प्रतीक्षा के समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या, लेकिन प्रतीक्षा पूरी कोशिश करेगी खुद को सही साबित करने का, खुद को बेगुनाह साबित करने का। आपने देखना ये है कि क्या प्रतीक्षा अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगी, और क्या रवि उस पर विश्वास करता है।